हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। आप सभी ने पेटीएम या ये फोन पे इन सब के फ्रॉड के बारे में सुना होगा। आज मैं आपको अमेज़न, बिल्कुल सही सुना आपने, हम सबका बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड अमेज़न, उसमें जो एक पॉलिसी चेंज हुआ है और उसकी वजह से जो लोगों को दिक्कत हो रही है वो भी किसी फ्रॉड से कम नहीं है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और अगर आप इस दिवाली पे, इस फेस्टिवल सीजन में आप अमेज़न से कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अमेज़न ने हाल ही में एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है ओपन बॉक्स वेरिफिकेशन पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, जो मेरे साथ हुई है। मैं आपको उसका एक ब्यौरा देता हूँ। मैंने हाल ही में इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन जो अमेज़न की सेल चली थी उसमें एक LED TV खरीदा अपने लिए, जो कि मुझे संडे को डिलीवर हुआ 9th of October को। तो उसमें जो डिलीवरी बॉय आया उसने मुझे बोला कि आप इस टीवी को मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो टीवी था, हालांकि मुझे पता नहीं था कि एक ओपन बॉक्स वेरिफिकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मेरे को डिलीवर हुआ है, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने कि कोई बात नहीं, देख लेते हैं खोल के। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि उसने मेरे को कैसे दिखाया, सो दैट यू कैन नो कि आपको किस तरीके से इसको चेक करना है। अमेज़न पे जो हमारा जो विश्वास है उसके चलते मैंने क्या गलती की है और उसकी वजह से मेरे को सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं आपको शो करता हूँ एग्जैक्टली कि उसने मेरे को कैसे खोल के दिखाया। तो डिलीवरी बॉय ने मुझे ये ओपन करके दिखाया, उसने ये पहले सारे के सारे सामान हटाए उसमें, मैं हटा रहा हूँ, फिर इसके ऊपर एक कवर होता है, ऐसे करके दिखाया। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि उसने टीवी मुझे इस तरीके से पहले ये सामान साइड, ये मैं आपको इसलिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से मोस्ट ऑफ द पीपल चेक करते हैं और मुझसे क्या करते हैं। तो ऐसे करके तुम टीवी मेरे को ये टीवी जो है ऐसे करके दिखाया उसने मेरी, इस टीवी के ऊपर एक ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है जो ब्लैक पॉलिथीन होती है, तो मुझे लगा कि ये स्क्रीन है। उसने बोला कि देखिए इसकी स्क्रीन ठीक है, तो मैंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप इसको पैक कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा टीवी इसको मैंने इससे पूछा कि मैंने क्या आप इंस्टॉल करेंगे, नहीं कह रहे इंस्टॉल करने के लिए आपके अलग से इंजीनियर्स आएंगे, तो मैंने कहा आप इसको पैक करके रखेंगे। अब मुझसे गलती ये हो रही है कि मैंने इस वाले टीवी को पूरी तरीके से चेक नहीं किया। मैंने सोचा कि पहली बात तो यानी अजीब सा ही है कि खोल के देखना, हम जब भी अमेजोन से ले रहे हैं सामान डिलीवर ले लेते हैं, बाद में चेक करते रहते हैं, बिकॉज हम उस पर ट्रस्ट करते हैं कि अमेजोन से जो भी प्रोडक्ट आएगा और तो उसमें कुछ गड़बड़ भी होगी तो वो वापस हो जाता है, तो इसलिए हम यानी मतलब मेरा ये हमेशा से ये रहा है कि अमेजोन से अगर कुछ भी चीज प्रोडक्ट कभी गलत आया तो हम उसको वापस कर देते थे। लेकिन अब ये पॉलिसी चेंज हो गई है, अब ओपन बॉक्स वेरिफिकेशन हुआ है कंपनी के हिसाब से, जो कंपनी ने मेरे को मेल दिए जिसे मैं पूरी तरीके से नहीं पढ़ी। मैं अपनी गलती को मानता हूँ, उसमें फाइन लाइंस में लिखा हुआ है कि आपको इसको अच्छी तरीके से चेक करना है, इसको चला के देखिए, जैसे भी जब आपको फुल सेटिस्फेक्शन हो जाए देन ओनली यू हैव टू गिव द OTP। तो मैंने क्या किया कि उसने मेरे को दिखाया, मैंने कहा कि ट्रस्ट के चलते मैंने कहा ठीक है भैया इसको आप पैक कर दीजिए, जब इंजीनियर आएंगे जब इंस्टॉल कर देंगे जैसे आप लेके आए थे। उसने मुझसे OTP मांगा, मैंने उसको OTP दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली उसके बाद, जब मैंने शाम को सोचा कि जब तक ये इंस्टॉल होगा इसको चला के देख लेते हैं एक बार, कि टीवी को कनेक्ट करके देखते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मुझसे गलती क्या हुई। जब मैंने शाम को खोला, देखिए अभी देखिए इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है
जिससे एक ब्लैक कवर था, कवर चढ़ा हुआ है इससे। इससे मुझे ये लगा था कि ये स्क्रीन है, मुझे मैंने तो गलती से ये सोचा था कि ये स्क्रीन है, लेकिन जैसे मैं इसको हटाता हूँ, ये देखिए ये स्क्रीन टूटी हुई है, और मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा कि ऐसे भी होता है। यानी गलती मेरी है, मेरे को पूरा चेक करना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट के चलते ठीक है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने पार्शली, उसने मेरे को पार्शली दिखाया, मैंने भी पार्शली चेक किया। अब मुझे ये नहीं पता कि उस डिलीवरी बॉय को पता था कि ये टीवी टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है। अपनी तरफ से जो गलती की है वो ये है कि मैंने उसको अमेज़न पे ट्रस्ट के चलते पूरा चेक नहीं किया। अब यही एक पॉलिसी है, ओपन बॉक्स वेरिफिकेशन पॉलिसी, कि इसमें अमेज़न ये आपसे ये कहता है कि जब आपका प्रोडक्ट आएगा आपको उसको फुली मेटिकुलसली चेक करना है। अगर आपने उसको मेटिकुलसली चेक नहीं किया और इसमें कोई डिफेक्ट निकलेगा, जैसे मेरे वाले केस में मेरा टीवी का स्क्रीन टूटा हुआ है जिसकी मैंने इमीडिएटली कंप्लेंट की, तो उन्होंने बोला कि सर आपको तो वेरिफिकेशन हमने कराया था, आपने ओटीपी भी दिया है, दैट मीन्स यू वर सेटिस्फाइड, इसीलिए आपने ओटीपी दिया था, तो अब ये हमारी कोई गलती नहीं है और अब हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो मतलब इस पॉलिसी का मतलब आप डायरेक्टली ये समझ रहे हैं कि जैसे आप किसी दुकान पे सामान लेने जाते हैं और अगर वो आपसे ये बोल दे कि आप अभी इस दुकान पे अपनी तसल्ली कर लीजिए, जो मोस्ट ऑफ द चाइनीज प्रोडक्ट के साथ ये होता है कि वो अपनी दुकान पे आपको 10 बार चेक कराएगा कि आप चेक कर लीजिए, घर पे जाने की, इस दुकान से आप बाहर निकले तो कोई गारंटी नहीं। इसी प्रकार की ये वाली पॉलिसी है, आम भाषा में इसको कहें तो, कि आप चेक कर लीजिए, अगर उसके बाद इसमें कोई प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने कई बार अलग अलग एग्जीक्यूटिव से उनसे बात की तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं आप लोगों का ध्यान इसी तरफ को लेके जाना चाहता हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अमेज़न से आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेंगे, लैपटॉप लेंगे, टीवी लेंगे, कुछ भी चीज लेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत ही मेटिकुलसली इसको चेक करना है, और अगर कोई गड़बड़ हो जाएगी तो अमेज़न उसमें आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, उसमें आपको बिल्कुल भी उसका रिफंड नहीं देगा, उसको रिप्लेस नहीं करेगा वो। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अमेज़न अब उस दुकानदार की तरह हो गया है जो आपको ये कहता है कि मेरी दुकान पे चेक कर लीजिए, बस यहाँ पे दुकान आपके घर पे, यानी मतलब आपके घर पे डिलीवर होगा प्रोडक्ट, उस समय आपने जो चेक कर लिया तो चेक कर लिया, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। अब ये तो टीवी है, अगर आप एसी लेंगे उसको आप चेक कर सकते हैं, ऊपर से चेक कर सकते हैं, अगर उसमें कोई छेद हुआ उसके कॉइल्स में तो यू कैन नॉट चेक दैट, उसके लिए टेक्निकल चाहिए इसमें, उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको पता करने के लिए कहाँ पे छेद है। ऐसी फ्रिज है उसका कंप्रेसर खराब है तो आप सिर्फ बॉडी में डेंट वगैरह देख सकते हैं, लैपटॉप है तो हो सकता है कि कई लोग लैपटॉप को चला के भी देख लें, लेकिन उसके बाद उसमें इमिजिएटली अगर कुछ, अगर किसी ने ढंग से नहीं देखा है तो अमेज़न उसकी गारंटी नहीं लेगा। तो आप समझिए कि अब अमेज़न वो वाला अमेज़न नहीं रहा जहां पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे कि सामान मंगा लिया, चेक भी नहीं किया, उसको बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, अमेज़न है तो सही, अमेज़न वापस कर लेगा। नहीं, अब बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अमेज़न की ये पॉलिसी बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल ट्रस्ट, यानी अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना है, जैसे हम वो सड़क पे आपने कई बार देखा होगा छोटी मोटी दुकानों पे एक एलईडी बल्ब मिलता है 20 रुपए का, तो वो ये बोलते हैं कि हम 10 बार चेक कराएंगे आपको, लेकिन इस दुकान से आप गए उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है, आधे घंटे की भी गारंटी नहीं है। तो उसी तरह का कुछ इन्होंने ये वाला गेम कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि अमेज़न ने ऐसा क्यों किया है, इस पॉलिसी को क्यों लेके आया। अच्छा खासा इन्होंने एक विश्वास जो होता है ना कि ब्लाइंड फेथ जिस पे हम करते हैं उस पे था, इतना महंगा सामान खरीदते हुए आपको कम से कम ये एश्योरेंस तो चाहिए कि अगर मुझसे कोई चेकिंग में गलती हो जाए या मैं ढंग से चेक ना कर पाऊं तो कम से कम जो विंडो पीरियड देते हैं, जैसे मेरे को 19 तारीख तक का विंडो पीरियड मिला, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस बात से कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई बार बात कर ली, मेल भी डाल दी, दे आर नॉट रिप्लाइंग, दे आर, और मैं जो मेरी कन्वर्सेशन है उसका
पूरा का पूरा वो पूरी कन्वर्सेशन मेरी 20 मिनट की है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने उनसे बात की है, और वो हर बार मुझे यही कहे जा रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लिटरली अब यही है कि अब हमें अपने दिमाग को ये समझाना है कि अमेजोन अब वो वाली जगह है जहां पे आपको उसी समय सामान चेक करना, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं। अगर आपसे कोई गलती हो गई, जैसे तो मेरा 20-22 हजार रुपए का ये टीवी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई महंगा लैपटॉप खरीद लिया, 1 लाख रुपीज का ले लिया, मैकबुक मंगा ली, अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो वो सीधा बोलेंगे कि आप उसी वाले जिस ब्रांड का है उससे कीजिए, जबकि ब्रांड पे अभी रजिस्टर भी नहीं हुआ। एक बार आप ओपन करेंगे तभी रजिस्टर्ड होगा ना। अभी तो आप दुकान से लेके आए हैं, दुकान की जिस भी दुकान से हम लेके आते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसको इंस्टॉल करके दे, चालू करके दे। चालू करने के बाद कंपनी की गारंटी शुरू होती है, ठीक है। अभी तो सिर्फ अमेजोन से सामान आया है और यहाँ पे उन्होंने ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। मैं उस वाले कन्वर्सेशन का एक वीडियो दूसरे अपनी पोस्ट में डालता हूँ, उसे जरूर सुनिएगा कि किस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये फर्ज था कि मैं आप लोगों को जागरूक करूँ कि आप दिवाली पे अगर सामान ले रहे हैं तो ये सोच के लीजिएगा कि इसकी ओपन बॉक्स वेरिफिकेशन होगी, और अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गई आपसे चेकिंग में तो अमेजोन आपको बिल्कुल रिफंड नहीं करेगा। तो सोच समझ के शॉपिंग कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी इन दिस वीडियो।